तो ये रहा अवतार में शक्ल। चलिए आर्य कैसे हो यार? गिटार कौन कौन से अपने पास और कितने से स्टार्ट है? गिटार अपने पास शुरू हो जाते हैं भाई 1700 रुपये से। 1700 रुपये से एक बार दिखा दो यार। ये वाली गिब्सन का गिटार 1700 रुपये शुरू हो जाता है गिटार। उसके बाद जैसे 2000 2200 2500 डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज आती है। अच्छा, जैसे ऑनलाइन वीडियोस देखी मैंने, कई लोग 1000 रुपये 1200 रुपये के भी गिटार। तो बिल्कुल प्लास्टिक का ही होता है। अच्छा, प्लास्टिक टॉय गिटार मतलब? ये तो प्लास्टिक का होता है। अच्छा, जैसे ये ब्रिज प्लास्टिक का है इसमें? हाँ, तो प्लास्टिक के ब्रिज में और होती है तो वो बहुत चीप क्वालिटी का होता है। अच्छा, वो सजेस्ट नहीं करते हैं आपको बिगिनर्स के लिए, कम से कम 2500 रुपये लगा कर बंदा अच्छे थोड़ा अच्छा तो ले। मतलब एक बार लेता है बंदा गिटार तो गिटार बढ़िया होना चाहिए। उसके बाद 2500 3000 आप जैसे वैरायटी देख सकते हैं, ये 4000 5000 ये सारी वैरायटीज है। ये सारा जो लॉट ये जो सारा जो है ये इंडियन है, इंडियन गिटार है। हाँ जी। फिर अगर आप इम्पोर्टेड से शुरुआत करें, इम्पोर्टेड जो है चाइनीज में शुरू होता है 3000। इंडियन गिटार और इम्पोर्टेड गिटार में फ़र्क क्या होता है? जो इम्पोर्टेड होता है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से आता है, और जो इंडियन होता है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है, जिसकी जो वुड है और जो इम्पोर्टेड वुड बहुत डिफरेंट होता है। मतलब साउंड क्वालिटी में फर्क होता है? बहुत डिफरेंट मिलेगा सब कुछ गिटार्स में। इंस्ट्रूमेंट्स में सिर्फ वुड ही मैटर करती है कि कौन सी वुड है। और वुड के अलावा भी और किसी चीज़ में जैसे कीज वगैरह होती है गिटार में? होता है, जैसे अब मैं आपको दिखा देता हूँ, डाईकास्ट कीज होती है, जो ऑयल होती है, ये देखो बॉडी। अब ये इम्पोर्टेड में आती है, ये इंडियन में आई नहीं सकती। जो कीज है डाईकास्ट कीज, डाईकास्ट कहते हैं ऑयल वाली कीज, ये इम्पोर्टेड में आती है। एंड ये जो डाईकास्ट कीज होते हैं इसमें सस्टेन ट्यूनिंग ज्यादा टाइम तक रहती है या नॉर्मल कीज की तरह ही होती है? बहुत ज्यादा रहती है, ये साल 5-7 साल चलते हैं। अच्छा, और किसी को अगर बेटर, जैसे आपने बोला 1700 से स्टार्ट है, अगर बेटर क्वालिटी में गिटार चाहिए हो तो कौन कौन से होंगे? 2000 3000 आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज आप यहां पे देखिए। आप गिटार कौन कौन से? तो एक और हैप्पी कस्टमर भी जा रहे हैं सर। तो भाई ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के आप यहाँ पे देखें, यामाहा, आइबनीज, फेंडर, गिब्स, टेक्नो, ये आप देखें, कॉट, टेक्नो, कैप्स, ये सारे वैरायटीज के गिटार मिलेंगे आपको A to Z 1700 रुपये से लेकर 25000 रुपये तक हर वैरायटी मिलेगी आपको। जैसे मेन मेन ब्रांड्स कौन से रहते हैं अगर फेमस ब्रांड बोले गिटार में? फेमस पे जाए तो जैसे आप यामा फेमस ब्रांड है, फेंडर फेमस ब्रांड है, आइबनीज फेमस ब्रांड है, कॉट फेमस ब्रांड है, ये सारे के सारे फेमस ब्रांड्स हैं। जैसे गिटार की नॉलेज मेरे को भी है, यामा का F280 F310 आपका 6500 रुपये शुरू हो जाता है विदाउट एक्सेसरीज। विदाउट एक्सेसरीज 6800 रुपीज का एक्सेसरीज के साथ आ जाता है। फिर 310 आता है जी, उसमें भी दो मॉडल्स हैं, एक इंडोनेशिया। सबसे ज्यादा मतलब मैंने देखा इम्पोर्टेड गिटार में जो जाता है यामा का F280 बिकता है, है ना? यामा के अलावा इम्पोर्टेड गिटार में कौन सा बिकता है ज्यादा? यामा में सबसे ज्यादा बिकते हैं इम्पोर्टेड बिकते हैं फेंडर और यामा। फेंडर एंड यामा ये 7000 रुपये शुरू हो जाते हैं। हाँ, बाकी गिटार्स की रेंज ऊपर भी चली जाती काफी, तो बिगिनर्स यूजुअली ट्राई करते हैं कि 7 से 10 की रेंज में परचेज कर। सेमी इलेक्ट्रिक भी आती है, जैसे यामा का ये सेमी इलेक्ट्रिक है, ये सेमी इलेक्ट्रिक क्या क्या लगता है, इक्विलाइजर है 2 बैंड में। अच्छा, ये FX 280 मॉडल है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है। आपको यार इम्पोर्टेड गिटार एक प्ले करके बताओगे थोड़ा सा, यामा का या कोई भी गिटार जो आपकी दुकान में पड़ा हो? ट्यून्ड है? हाँ, मैं दिखा, मैं वैसे बहुत बढ़िया साउंड होती है वो। अच्छा, तो कोई भी कस्टमर अगर आता है तो उसको पूरी नॉलेज वगैरह पूरी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाती है? 90% लोग यहाँ बिगनर्स होते हैं, उनको सजेस्ट करते हैं, कभी पढ़िएगा हमारे रिव्यूज हमारे बारे में अवतार म्यूजिकल, वहाँ पर आपको हारमोनियम्स मिल जाएंगे, कलकत्ता ब्रांड, ये पानीपत का है, ये चंडीगढ़ का है, ये डिफरेंट वैराइटीज़ के हारमोनियम के 65000 रुपये का है, ये हारमोनियम आपका शुरू हो जाता है 6000 रुपये से। सबसे ज़्यादा कौन सा सेल होता है इंस्ट्रूमेंट? सबसे ज़्यादा बिगनर्स 7000 वाला, 6000 वाला। चीज़ क्या सेल होती है सबसे ज़्यादा? अच्छा, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट गिटार सबसे ज़्यादा गिटार सेल होता है, ठीक है। उसके आपको यूकेलेस की वैरायटी मिल जाएगी, यूकेलेस है। और ये अपना स्ट्रेंजर का एम्पलीफायर? ये स्ट्रेंजर का एम्पलीफायर आपका ये 100 वाट का है, इसमें आपको हम चेक करने के रखा, चाहे तो मिल जाएगा, ये ऑरेंज का पड़ा, ये मार्शल का पड़ा, ये स्ट्रेंजर का पड़ा, सारे के सारे एम्पलीफायर आपको मिल जाएंगे हमारे पास। ये जैम्बेज हैं, ये बेस गिटार्स हैं, ये कजॉन बॉक्सेस हैं, ये नया ट्रेंड में आया कजॉन बॉक्सेस, मतलब जो एज अ ड्रम का रिप्लेसमेंट है।
ये ड्रम सेट्स पड़े हैं, ये आपके जैम्बेज पड़े हैं, हर चीज़ मिल जाएगी आपको ए टू जेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के। नीचे हमारे नंबर भी आ रहे होंगे, आप कुछ पूछना हो, क्वेरी भी करनी हो या कुछ सजेशन लेना हो ले सकते हैं। तो पूरी डिटेल जो होगी आपको, आपकी जो होगी वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, शॉप का एड्रेस साथ में कोऑर्डिनेट्स दे दूंगा, मतलब लोकेशन के, और कुछ भी डिस्काउंट वगैरह हो वो आप देख लेना अपने एंड से। 10% डिस्काउंट मिलेगा। जैसे अभी एक कजॉन्स है, अब ये ट्रैवल कजॉन्स है, ये देखिए आप, ये कंडेंसर माइक से KKG की कंडेंसर माइक, जैसे यूट्यूबर्स होते हैं या कोई होते हैं कंडेंसर माइक यूज करते हैं जी। जैसे कैनन है, क्लैप बॉक्स का कौन सा मॉडल है ये वाला? ACB 11। ये अगर जैसे ऑनलाइन जितने का भी मिल रहा है उससे डिस्काउंट मिल जाएगा 100%। ऑनलाइन मान लीजिए ये मेरे हिसाब से 5,000 के आसपास है, 5-6,000 का। अच्छा, तो मतलब जो भी गिटार या जो भी मतलब ऑनलाइन परचेज हो रही है उससे डिस्काउंट मिल जाएगा, क्लैप बॉक्स हो चाहे गिटार हो। तो ठीक है यार, आपका लिंक और डिस्क्रिप्शन जो है नीचे मैं दे दूंगा आपको, और किसी भी कस्टमर को परचेज करना होगा आपको कांटेक्ट कर लेंगे, आपका नंबर एंड डिटेल दे दूंगा। बहुत इसमें हमारा प्लेजर होगा सर। ओके, थैंक यू।